दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सप्लाई चेन युक्ति पर। हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था व्हाट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे हाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, ग्रुप और होम। आपने अगर अभी तक हमारी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। इससे आपको ये वीडियो समझने में और भी आसानी होगी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे सप्लाई चेन मैनेजमेंट से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और घर को किस तरह भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से पहले ही बचा सकते हैं। सप्लाई चेन ही क्या, आप कोई भी फील्ड या काम ले लीजिए, जब तक हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा हो भी सकता है कि बिना मैनेजमेंट के हम अपने गोल को अचीव तो कर लेंगे, मगर इसके लिए हमें क्या-क्या गंवाना पड़ेगा ये हम नहीं सोच सकते। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी देश की सरकार के द्वारा वस्तुओं के वितरण से लेकर घर के राशन तक सभी जगह हमको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिना सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे प्रोजेक्ट सिर्फ फेलियर के अलावा कुछ नहीं दे सकते। तो आइए एक गुड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कुछ पहलुओं पर नज़र डालते हैं। हायर एफिशिएंसी रेट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर एफिशिएंसी रेट होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे प्रोसेस और सटीक सूझबूझ के जरिए हम लॉस में जा रही ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट में तब्दील कर सकते हैं। एक्सपेंसेस को कम करने के लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कॉस्ट कटिंग पर ही ध्यान दें, बल्कि अपने प्रोसेस को दिन प्रतिदिन रिफाइन करने से भी आप टारगेट को कम से कम वेस्ट के जरिए कम से कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। इससे ना केवल एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट सेव होती है, बल्कि कम से कम एफर्ट्स और एनर्जी में ही आप टारगेटेड प्रोडक्शन को टारगेटेड टाइम में अचीव कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है रिड्यूस कॉस्ट इफेक्ट्स। हम सब जानते हैं कि कई बार ओवरहेड एक्सपेंसेस इस कदर बढ़ जाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वाइव करना नामुमकिन सा हो जाता है। ये एक्सपेंसेस किसी भी रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सेस मैन पावर, एक्सेस मशीनरी, एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस वेस्ट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, अनस्किल्ड लेबर या यूं कहें तो मैन पावर, एब्सेंस ऑफ डेटा फॉर प्रॉपर प्लानिंग, और बहुत से ऐसे पहलू जिसके ऊपर कई बार एक ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान ही नहीं जाता। ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के बोझ तले ही दबकर बंद हो जाती है। आजकल बहुत सी कंपनीज अपने सिस्टम और प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर का सहारा लेती हैं। इसके जरिए ना ही सिर्फ आप अपने प्रेजेंट प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि पास्ट में हुई मिस्टेक्स को एनालाइज करके फ्यूचर में आने वाली परेशानियों को प्रेजेंट टाइम में ही एलिमिनेट कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर में डेटा स्टोर करने से आप 10 साल पुराना डेटा भी मिनट्स में एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आपको डेटा को स्टोर करने के लिए आपको किसी बहुत बड़े स्टोर रूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक छोटे से रूम में सर्वर के रूप में आप अपने बहुत से डेटा कम से कम मैन पावर के ज़रिए महफूज रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है रेज आउटपुट। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, उसका प्रोसेस ह्यूमन बेस्ड नहीं बल्कि प्रोसेस बेस्ड है, उनका काम प्रोसेस पर डिपेंड है, इस वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट की कैपेसिटी कम से कम रिसोर्सेज में भी बहुत विशाल हो जाती है।
जरूरी नहीं कि बहुत विशाल प्रोडक्शन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को एक विशाल सेटअप की जरूरत का हो। कम से कम रिसोर्सेज और सेटअप के जरिए भी प्रोडक्शन टारगेट्स को अचीव किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ जरूरत है एक गुड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेज्ड योर बिजनेस प्रॉफिट लेवल। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अच्छा सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर है, उस ऑर्गेनाइजेशन के काम करने की कैपेसिटी दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती रहती है। इंक्रीज कैपेसिटी का मतलब इंक्रीज इन प्रॉफिट। उस ऑर्गेनाइजेशन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, नए और इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए सिस्टम फ्लेक्सिबल हो जाता है, करप्शन के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट लेवल आउटसाइडर के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होने की वजह से इन्वेस्टर्स और बैंक लोन की अपॉर्चुनिटीज़ में अच्छा खासा फर्क पड़ता है। ये सभी पैरामीटर्स सीधे एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पर एक पॉजिटिव असर डालते हैं। और चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग भी नहीं है, फिर भी आप एक लिमिटेड बजट में अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बूस्ट कोऑपरेशन। अब क्योंकि आपके पास एक डिज़ाइंड और ऑथेंटिक प्रोसेस है, एक सॉफ्टवेयर है, आपकी एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो चुका है और आप अपनी कॉस्ट को भी सेव कर पा रहे हो, इस सब की वजह से आपकी मैन पावर का मोराल हमेशा हाई लेवल पर रहता है। वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। एक वेल डिज़ाइंड प्रोसेस और सॉफ्टवेयर के जरिए सभी की लाइबिलिटीज़ को आप फिक्स कर पाते हैं। एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप काफ़ी हद तक उनको दूर कर पाते हैं। आपके वेंडर्स को जो टास्क आपने दिए हैं, आप उनका स्टेटस इजीली ट्रैक कर सकते हैं। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन लेवल अब पीक पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोअर्स डिले इन प्रोसेसेस। किसी भी काम में देरी होना अपने आप में अभिशाप है। चाहे ये देरी सरकार के कामों में हो, बैंक में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को लेकर हो या फिर घर के कामों में हो, किसी को भी किसी काम में देरी होना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप अच्छा मैनेजमेंट को स्थापित कर पाते हैं, तो आप अपने लीड टाइम में अपना पूरा कार्य समाप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनहांस्ड सप्लाई चेन नेटवर्क और कह सकते हैं कंक्लूजन। ये जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इनका कंक्लूजन अगर हम निकालते हैं, तो अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम एक अच्छा नेटवर्क बनाने में हमें सहायता देता है। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एक ब्राइट फ्यूचर का प्रतीक है। जो भी सरकार, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या सोसाइटी इस तरह के प्रोसेस को अपनाती है, उनके डूबने के आसार उतने ही कम होते जाते हैं, या कहें तो ना के बराबर। हालांकि अपवाद यानी एक्सेप्शंस आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। वो कहते हैं ना, नथिंग इज सर्टेन इन दिस यूनिवर्स, मगर फिर भी इस प्रोसेस को अपनाकर आप कुछ हद तक यूनिवर्स की इस अनसर्टेनिटी से बच सकते हैं। आशा करता हूँ आप सबको सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स के बेनिफिट, इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी नीड क्यों होती है, ये सब समझ आ गया होगा। आपको जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट की टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंच पाएं। दोस्तों, अगले लेक्चर में हम समझेंगे मिसकंसेप्शंस अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्ते, शुक्रिया, फिर मिलेंगे।